तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारी पतंगे। टाइटल और थंबनेल से समझ गए होगे कि आई बाउट काइट्स एंड मांजा फ्रॉम यूट्यूब मनी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये देखो, ये रही मेरी पतंगे। ये आपको लग रही होगी एक दो पतंगे, भाई इतनी सारी पतंगे, ये देखो कितनी सारी पतंगे। इतनी सारी पतंगे, अभी मैं आप इनके बारे में बताऊंगा। आज मैंने जो वहाँ से सीताराम बाजार से पतंग बंजन जो लाया था, कैसा लाया था, क्या क्या लिया था, सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखो, सद्दी की चक्री हो रही, सद्दी भरवाई थी, और ये रही वो मंजे की चक्री, अभी आपको सब दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने सारा जितना भी लिया है, सारा यूट्यूब मनी से लिया है, जितना भी था यूट्यूब मनी से लिया है। और मैं पतंग में मैं क्यों लिए पतंग, मैंने किस लिए ली, कहाँ से ली, कौन सी पतंग कहाँ से ली, और कितने रुपए की ली, सब बताऊंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन वाली पतंग से। तो ये जो पतंग है, ये छोटी पतंग है, और इनमें काम बहुत ही ज़्यादा किया हुआ, छिली हुई कमान के ऊपर है। देखो, ये पड़ी थी मेरे को छः सात रुपये की पड़ी थी मेरे को एक पतंग। आप सोचोगे महंगी पतंग, भाई इसमें काम देखो, छिली हुई कमान है, और ये पेपर है जर्मनी, कितना शानदार है। और इसके बाद हम चलते हैं इसमें की पतंग, देखो वहाँ भी रखी है। और ये जो पोनी है वो बड़ी वाली तावा काइट है, वो मैंने कितनी ली थी, वो सस्पेंस अभी तक, वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, उसे उड़ाऊंगा जब मैं, वो पता चलेगा आपको। और फिर मैंने ली थी ये वाली पतंग, ओ ये वाली पतंग मैं ले लेता हूँ मैं आपको। ये वाली पतंग देखो, ये भी सेम इस कारीगर की है। देखो ये मैंने ली थी रईस भाई से, ये देखो जर्मनी पेपर पे है, ये भी छिली हुई कमान पे, सीखी हुई कमान पे, ये भी मैंने ये ली थी मैंने 15 रुपये पतंग। ये ऐसी मैंने 200 पतंग ली थी, 200 या 220 पतंग ली थी मैंने ऐसी, और वो वाली ली थी मैंने कुछ। और मैंने ये तो क्या कहते हैं, खैर रईस भाई की पतंग है जो मैंने ली थी, ये रईस भाई से ली थी मैंने पतंग। और ये क्या कहते हैं, ये देखो ये वैसा पेपर है, और ये जर्मनी पेपर है। ज़्यादातर मैंने जर्मनी पेपर पे ली थी, नीली और काली, क्योंकि जॉइंट वाली इसलिए नहीं, क्योंकि मौसम में वेदर में बहुत नमी है, तो जॉइंट वॉइंट खुल जाते, कौन इतनी टेपिंग मारेगा। और मैं दिखाता हूँ आपको फिर, और ये मैंने ली थी भाई मन्नू की चक्री, ये देखो स्पेशल मैदानी मांझा, ये देखो ये, अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं आप। देखो तो ये खुली, और ये जो मंजा होगा इसमें किस कारीगर का होगा, मतलब किस कारीगर का, कैसा मंजा होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो आपको दिखाने के बाद। ये तो ये है चरखरी हमारी, कड़क डोर वर्धमान पे लगी हुई, आर्ट देखो 1 2 3 पे है, कोई चाइनीज मांझा नहीं है, वर्धमान की ओरिजिनल चिट लग रही है। और इसमें क्या कहते हैं, अभी मैं आपको मंजा दिखाता हूँ यहाँ पे भी, भाई साहब मंजा इतना कड़क है, कितना भी अंदर तक खोल लो पूरा कड़क का कड़क मांझा है। आप देखो इस कारीगर की चरखी है, ये भाई मन्नू की है, कड़क है। और इसकी जो मैं टेस्टिंग है एक बार करूँगा जरूर, पतंग उड़ा के और काट के दिखाऊंगा। और मैंने इसमें दिखा दिया, ये देखो काफ़ी अच्छी है एकदम। और दोबारा बता दूँ, आई बाउट काइट एंड मांझा फ्रॉम यूट्यूब मनी, यूट्यूब मनी से ही लिया है। और अभी हम इसको लगा देते हैं ऐसे करके, ओ ये मैंने इसको लगा दिया। और अब दिखाता हूँ ये वाली पतंगे, और इस पत्ते ये वाली इनमें से इस पत्ते की पतंग दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस पत्ते में मैंने ये वाली पतंग ली, ये वाला कागज़, ये थोड़ा अलग वाला कागज़ है, ये भी देखो ये छिली हुई कमान पे, देखो एकदम मीडियम कमान और ठड्डे हैं, देखो आप ये देखो लचीले, ये देखो बहुत ही अच्छे हैं। और अब बात करते हैं इधर इस वाली पतंग की, और ये सब मैंने दिखा दिया आपको, और इधर आओ पास में, और आप पतंग सोच रहे हो आप थोड़ी बहुत है तो इधर लाओ पास में, ये देखो एक चौका, दो चौका, तीन चौका, चार चौका, पांच चौका, छः, सात, आठ, और ए आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, चौबीस चौके, और इसमें कितने दो पतंगे, ये चौबीस नहीं, तो इधर आओ चौबीस, और ये पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, और ये भी इसी के साथ ये तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, और ये पैंतीस, छत्तीस,
और कुछ पतंग क्या कहते हैं मैंने उड़ा भी दी और कुछ पतंग मैंने नीचे भी रखी है तो गाइस। और मैंने ये वाली जो पतंग ली थी ये पटियाले की, ये भी मैंने काफ़ी सारी ली थी, इसमें से मैंने खाली दिखाने के लिए आपको ये चौका निकाल लिया क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। देखो आप गीली वीली पड़ी है तो लकड़ी वकड़ी। और ये देखो ये मैंने पतंग ली थी, ये भी महेंद्र चीना जी से ली थी। पतंग के कमान ठड्डे देखो इतने अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये मैंने ऐसी ले ली थी, मेरे कुछ पैसे बने थे तो इसलिए ली थी। और आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने ये YouTube मनी से ली, कितने रुपए आए, कहाँ से आए, तो भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ये बताना ये नहीं बता सकता मैं आपको YouTube पे, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है। इसमें ये वीडियो कट सकती है, अगर मैंने आपको बता दिया तो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है तो मैं सॉरी ये बता नहीं सकता। जहाँ तक होगा अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भाई बताना है, आपकी कमेंट आती है तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कितना आए कितने नहीं आए। और ये पतंग मैंने चेक करी थी देखो। और अब बात आती है क्या कहते हैं, एक ये भी पतंग थी देखो इसमें की, ये मैंने लगा ली थी। और ये डिज़ाइन है ना, एक डिज़ाइन ये भी था देखो, इसमें की पतंग भी ली थी मैंने काफ़ी सारी। मैंने एक एक इसलिए ले लिया ये ताकि क्या कहते हैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने इस डिज़ाइन की ली थी काफ़ी सारी, वो तो मैंने इसलिए लगा दी। आप सोच रहे हो इतनी सी पतंग बस, तो इसलिए मैंने ली थी। और अब मैं सद्दी धराऊँ, ये तीन नंबर सद्दी भरवाई थी मैंने चेक करी थी ये सद्दी कैसी है, जो मैंने चेक करी है काफ़ी बढ़िया है, एकदम अमेजिंग है। और आप पूछ रहे थे क्या कहते हैं लाल कुआं में क्या कहते हैं दुकान कब कब खुली रहती है, भाई वहाँ पे दुकान क्या कहते हैं जो सीताराम बाजार में जो महेंद्र चीना की दुकान है वो खुली रहती है, क्या कहते हैं संडे संडे वो लगाते हैं, वो फुटपाथ पर ही, उनका नंबर मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। और ये पतंग भी मैं वहीं से लाया था, आपको पता चल जाएगा कहाँ से लाया था पतंगे, तो पता चल जाएगा आपको। और क्या कहते हैं अगर दिन जाते हो संडे के अलावा तो उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको फ़ोन एक दो घंटे पहले फ़ोन कर लेना तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो लाल कुएँ में मैंने दिखाई थी एक पतंग की दुकान, लाल कुएँ में कम से कम 10-15 दुकान है, जो तीनों 10-15 दुकान भाई पूरे उसमें खुली रहती है, मतलब रोज़ खुलती है वो दुकानें और आप जा सकते हो। और गाड़ी अपनी ले जाते हो तो ले जाओ, संडे को ओनली वहाँ पे एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चलती है। और मैंने सब्जी दिखा भी, और हाँ एक दो चीज़ और लाया था मैं वहाँ से, और पता नहीं कहाँ गई, ये लाया था मैं, ये 20 रुपये की स्विगी की टेप, और ये 3-4 ये टेप लाया था, एक दो पता नहीं इधर खो गई है कहीं, और मैं दिखाता हूँ। और एक ये पुच्छल पतंग, ये हमारी पड़ी है ऐसी। और ये जितनी भी पतंग लाया था मैं सब कहते हैं काइट बैग मैं लाया था भाई इसमें, एकदम सिंपल जुगाड़, ज़्यादा पैसे नहीं, 10 रुपये की पन्नी आती है, 5-10 रुपये की आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगी जल्दी से। आप ये मेरे को मिली थी फूल वाले के पास, जो फ्लावर वाले होते हैं जो पूजा का सामान रखते हैं उनके पास मिली थी। और ये देखो, और ये जो मैं क्या कहते हैं जो YouTube मनी से मैं लाया था, मैं आपको बता दूं, ये मैं क्या कहते हैं हाँ ये लाया था मैं संडे के दिन जितना भी है। और जो मैंने YouTube जो मेरी मनी आई थी फर्स्ट पेमेंट जो आई थी वो मैं सारी पेमेंट से नहीं लाया हूँ, ये बता देता हूँ। कुछ थोड़े बहुत से लाया था, मैं हिंट भी नहीं दे सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन खिलाफ है ये वीडियो अगर मैंने बता दिया तो। और ये थी, और पतंग भी काफ़ी सारी है, और मैंने इसमें देखो टेपिंग भी करी है, वो नहीं पतंग में भी टेपिंग कर दी। और इसमें देखो जर्मनी पेपर पे कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हाँ ये पतंग तो आपको मैंने दिखाई ही नहीं, ये देखो ये तावा काइट है, ये मैं कितनी पतंग लाया हूँ, मैंने यहाँ पे ओनली 2 ही पतंग शो करी है। मैं ये पतंग लाया हूँ आपको, मैं सस्पेंस रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको उड़ा कर दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे उड़ती है कैसे फ्लाई करती है। और ये काफ़ी बड़ी पतंग भी पोने से मिलाते हैं इस पतंग को, तो ये पोना पतंग अपना, और ये देखो इसको यहाँ पर लगा दिया, और तो कितनी छोटी लग रही है, ये 1.5 या 2.5 तावा, ये तावा काइट बहुत बड़ी पतंग है, वेरी बिग काइट। और नेक्स्ट वीडियो इसकी देखना मत भूलना क्योंकि वो आएगी हाउ टू वो वेरी बिग काइट फ्लाई, ये देखो काफ़ी अच्छी है। और अगर गाइस आपको ये क्या कहते हैं मंजा पतंग आपको लेना है तो मैंने दुकान बता दी है, जो पोनी पतंग है जितनी भी ये वाली वो वाली छोड़ के वो मैंने ली थी क्या कहते हैं राइस भाई से। और जो ये छोटी वाली पतंग है आप ये देख सकते हो, ये ली थी क्या कहते हैं मैंने बाजार सीताराम महेंद्र चीना से, ये पतंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसलिए ले ली, वो क्या कहते हैं वो पोनी पतंग तो मेरे पे थी इसलिए ले ली, ये क्या कहते हैं छोटी पतंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, ये मैंने ले ली, कम से कम 50-60 पतंग ये ली थी। और आप पूछोगे वो मंजे की चक्री कितने की पड़ी, भाई 750 रुपये की पड़ी है, बार्गेन जरूर करना आप उनसे अगर आप लेते हो। और ये सद्दी कितने रुपये की पड़ी, सद्दी पड़ी मेरे को क्या कहते हैं 180 रुपये की सद्दी पड़ी, तीन नंबर सद्दी काफ़ी अच्छी है।
और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये जो आ रहा है ना रेड कलर का लाल कलर का, इसको दबा देना, और ये घंटे को भी दबा देना, देखा टन 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 करके दबा देना, उससे जो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को आपको मिलेगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।